नमस्कार, दोपहर के 3:30 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से सामने आ रही है। आपको बता दें, जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि चीनी सेना थोड़ा पीछे हटी है। गलवान के पास चीनी सेना की तादाद में भी कमी देखी गई है, और आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ जहां लगातार चीन के साथ बातचीत जारी है, तो वहीं इन सबके बीच गलवान के पास जो चीनी सेना की बहुत बड़ी तादाद थी उसमें फिलहाल इस वक्त कमी देखने को मिल रही है। भारत और चीन के बीच हालांकि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करने की कोशिश में है। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटने की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पर झड़प हुई थी वहां से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। आपको ये भी बताते चले कि लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी और पैंगोंग लेक से जो ताजा तस्वीरें सैटेलाइट से सामने आई थी उसमें ये भी पता चला था कि चीन नई साजिश वहां पर रच रहा है और लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी जो गलवान से सामने आ रही है, झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, चीन के सैनिकों की संख्या में भी वहां पर कमी देखने को मिल रही है। गलवान के पास से ये बड़ी खबर, एक तरफ सैनिकों की संख्या में कमी तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सेना पीछे हटी है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, क्या जानकारी मिल रही है? झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। जी चित्रा, ये गलवान को ही लेकर सबसे पहले डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की बातें चल रही थी और अभी जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके अनुसार चीनी सेना पीछे हटी है। लगभग 1 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है जितना पीछे वो हटी है और ये कम से कम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे इलाके में ये एक बहुत बड़ा विड्रॉल आप कह सकते हैं। चित्रा, लगातार जो भारत चीन से मांग कर रहा था वो ये कि चीन हमें अपनी एक टाइमलाइन दे, कितने दिनों में कितना पीछे किस इलाके से वो जाएंगे, ये चीजें जो शेयर की गई उसके बाद चीन ने पहला विड्रॉल अपना शुरू किया है जो गलवान घाटी से है। ये बहुत बड़ी खबर चित्रा इस हिसाब से कि इस पूरे सेक्टर में, क्योंकि आर्मी चीफ यहाँ से होकर जा चुके थे और बातचीत लगातार चल रही थी, न सिर्फ ट्रेन या बल्कि कूटनीति के थी, क्योंकि विदेश मंत्री जी ने बात हुई, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत चल रही थी, तो बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा सकता है। और मैं तो कहूंगी कि दोनों देशों के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह का टकराव है उसमें दोनों अगर बातचीत कर रहे हैं तो इसी वजह से, ताकि ये एस्केलेट न हो। दोनों शक्तियां हैं बहुत बड़ी एशिया की और इस समय अगर कोई भी टकराव हुआ तो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश को अधिक नुकसान की आशंका। श्वेता, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बताता है कि चीन एक तरफ पीछे हटता है और वहीं दूसरी तरफ दूसरी जगह से वो आगे आ जाता है। 15 जून की रात जहां पर झड़प हुई थी दोनों ही सेनाओं के बीच, जहां पर हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, क्या उस जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना? श्वेता जी चित्रा, खबर वही की है। गलवान जो फ्लैश पॉइंट था, जहां पर फ्लैश पॉइंट यानी कि जहां पर टकराव हुआ था दोनों देशों की सेनाओं के बीच, वहां पर विथड्रॉल की खबर आ रही है, वहां पर रिडक्शन दिख रहा है। जो चीनी सैनिक है उनकी संख्या में, उनकी गाड़ियों की संख्या में कमी नजर आ रही है। पीछे की तरफ लगभग 1 किलोमीटर का मूवमेंट बताया जा रहा है, जो सही है कि बाकी इलाकों में उनका बिल्डअप भी साथ साथ में जारी हो जाता है। आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे पेंगोंग का इलाका है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है वहां पर, लेकिन जहां पर मौजूद है वहीं पर उनके सैनिकों की संख्या में इजाफा हो जाता है। लेकिन गलवान में पीछे हटना एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर भी, लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल भी इस समय उन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। पिछली बातचीत के बाद जो भरोसा किया था वो 9 दिनों के अंदर गलवान की घटना हो गई थी, इसीलिए इस बार एक तो अव्वल तो चीन से टाइमलाइन मांगा गया कि कितने कितने दिनों में कहां कहां से आप पीछे हट रहे हैं, और दूसरा बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से उनकी इस मूवमेंट को देखा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि एक दिन वो 1 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे कहीं और से वो या तो बढ़ा रहे हों या कोई दूसरी टुकड़ी उनकी तैनात कर दी जाए। इसीलिए शुरुआती इस एस्केलेशन को भी थोड़ी सी एक तरह से सख्त दृष्टि से देखा जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, गलवान के पास चीन के सैनिकों की संख्या में कमी और 1 किलोमीटर पीछे जा रही है चीन की सेना। ये बड़ी जानकारी, लेकिन श्वेता इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने LAC पर पैंगोंग लेक में
तनाव का दूसरा मोर्चा खोल दिया था। श्वेता, इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ लद्दाख से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है? 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना, और क्या बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।